been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू द एजमेंट न्यूज़। तो गाइस, आज की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है मार्वल फैंस के लिए। तो फाइनली यहाँ पे क्रिस ने अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीज़ें रिवील कर दी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्होंने बोला कि वो जेम्स गन से काफ़ी टाइम से बातें चल रही हैं और देन वो फाइनली जनवरी से 2019 में इसकी शूटिंग स्टार्ट करेंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की। बट उसमें होने क्या वाला है एक्चुअल में, तो उन्होंने बोला एवेंजर 4 में जो टाइम ट्रेवलिंग होगी उससे कुछ चेंजेस आएंगे, तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में वो हम पर असर पड़ेगा। जी हाँ, तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में टाइम ट्रेवलिंग की चेंज होने के चक्कर में उस मूवी पे थोड़ा असर पड़ेगा। जी हाँ, तो उसका मतलब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कुछ जो इवेंट हुए होंगे उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे जिसका असर हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखेगा। तो जी हाँ, तो आप समझ चुके होंगे एवेंजर 4 का असर कितनी मूवीज पे पड़ेगा, कैप्टन मार्वल 2 पर, ब्लैक पैंथर 2 पर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 पर। जी हाँ, तो गाइस ये था वो स्पॉइलर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर वल्चर के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।